नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। जनपद महोबा से इस वक्त की खबर। दो दिन से गायब 40 वर्षीय युवक का राहत कुएं में तैरता मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। चरखारी कस्बे के सिया समुदाय की करबला के पास स्थित प्राचीन राहत कुएं में एक शव तैरता पाए जाने से कस्बे में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही देखते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सबको व पुलिस व लोगों के सहयोग से बड़े ही मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं मृतक की पत्नी बबली ने देखा और अपने पति को पहचान लिया। मृतक की पहचान पीरू पठान उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम अस्थैना के रूप में हुई, जो एक लंबे अरसे से अपने परिवार सहित चरखारी के मोहल्ला हाथीखाना में रहता था। मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। घटना की सूचना पाकर परिवार के लोगों में कोहरा मच गया। पत्नी बबली ने बताया है कि उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उसके पति पर काफी कर्ज भी था। दो दिन पूर्व शाम को उसके पति पीरू घर पहुंचे थे तो उसने कहा कि घर में बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है। इतना सुनकर वह घर से चला गया। काफी तलाश की गई परंतु कुछ पता नहीं चला। आज उनका शव कुएं में तैरता मिला है। घटना की सूचना पाकर सीओ चरखारी उमेश चंद्र व प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पांडे घटना स्थल पर पहुंच गए। एसआई मुबीन अली, एसआई विनोद यादव ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। समाचार ए टू जेड के लिए महोबा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। कब है आज? आज है आपका? बबली। क्या हो गया है, किस तरीके से आपकी पति मृत्यु हो गई? ये सुबह शाम को 7 बजे तो हम बच्चे भूख चिल्ला रहे थे तो ये इनके पापा आए हैं तो हमने कहा बच्चों के लिए खाना के लिए नहीं है तो इनके लिए कुछ ला दे, आटा दे ला दे चक्की से, अभी तो गल्ला मिलेगा नहीं। तो कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं है तो हमने कहा कि अब बच्चे भूखे में रहेंगे क्या? तो कहने लगे हमारे पास नहीं है तो हमने कहा पीने के लिए आपके पास पैसे हैं और हमारे बच्चों के लिए देने के लिए नहीं है। इतनी बात हुई है कि 6 बजे से। कब से? 6 बजे से, बुध को 7 तारीख को। फिर हम लोग ढूंढते रहते रहे हैं, बहुत ढूंढना है। अब हम बच्चों को ले लेकर कहाँ जाए, पूरी रात फिर अकेले बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनके बड़े भाई हैं, खेती के मसले में अभी फिरते रहते थे तो का नाम सभी कहते थे हमें खेती दो, हमारा कर्जा है। तो ये लोग बाप बेटा लड़ते थे, कहते थे हम नहीं बेचेंगे, बड़ा भाई हड़पना चाहता है सब। तो आज कहाँ पर इनकी शव मिली है, किस तरीके से निकाला गया? ये तो सर सब लोग आदमी लोगों ने, मतलब जेंट्स लोगों ने, और राहत की कुआ में मिली है। राहत की कुआ में जी।